नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूँ कुछ खास। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा से अवध क्षेत्र निराला नगर कार्यालय लखनऊ में उदित राज के वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण से हुई खास वार्तालाप। कैमरामैन दानिश कुरैशी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण की खास रिपोर्ट। शेष नारायण मिश्रा जी से कराएंगे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, तो सुनने वाली जनता को भी आपका धन्यवाद आभार। सर, सरकार उत्तर प्रदेश में आपकी थी और प्रधानमंत्री आपकी थी नहीं, आपकी है और आपकी रहेगी, उसके बावजूद आगे भी रहेगी, आगे भी रहेगी। मुझे प्रधानी का रिजल्ट आया, उसके बारे में बात करना था। प्रधानी का रिजल्ट तो हमारे प्रधानी में तो हमारे 334 प्रधान जीते। जिला पंचायत के रिजल्ट थोड़े से खराब हुए, उसके कारण था कोरोना संकट, उसके लिए कुछ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष में हम लगातार जीत रहे हैं। अभी देवीपाटन मंडल की चारों सीटें हमने क्लीन स्वीप की, पूरे उत्तर प्रदेश में 21 सीटें निर्विरोध जीती हैं और आगे आने वाले समय में 75-60 जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चुनाव के लिए हम एकदम तैयार है। विधानसभा चुनाव के हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता एकदम पूरी तैयारी है हमारी। कुछ फेरबदल नहीं होगा, जो हो रहा माननीय मोदी जी के माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। माननीय स्वतंत्र जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वही रहेंगे। कहीं क्योंकि ये सब अफवाह है मीडिया का, कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कयास व्यास नहीं, कयास लगाना काम मीडिया का है, हमारा काम है काम करना। हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, किसी को कहीं कोई मतलब कयास लगाने 70% आप नए ये समय आने पर देखा जाएगा। इसको अभी कुछ नहीं कहा, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा समय आने पर। अभी कोई टिकट बंटवारा तो हो नहीं रहा, टिकट के बारे में कयास लगाने से फायदा क्या। ये थे शेष नारायण जी मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि कयास लगने से क्या फायदा, जब टिकट बटेंगे सब आ जाएगा सामने। कैमरामैन दानिश के साथ मैं भारत भूषण, उदित राज न्यूज। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात। फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ, धन्यवाद।